फिट बॉडी किसी नहीं चाहिए बट बॉडी को फिट बनाने के लिए बॉडी का फैट परसेंटेज भी कम होना चाहिए सो so, मैं आज आपको कुछ ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा प्लस उसके साथ कुछ टिप्स दूंगा जो डेफिनेटली आपके फैट लॉस में हेल्प करेंगी सो हाई गाइज दिस इज हिमांशु जोशी एंड वेलकम टू एच जे फिटनेस सो आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपकी फैट लॉस में हेल्प करने वाली हैं सो so, हम अपनी एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले करेंगे हम अपना वार्म अप और वार्म अप में करेंगे हम जंपिंग जैक्स और इसको हम 45 फाइव सेकेंड तक का कर कंटिन्यूस करेंगे एंड इसमें हमारी ब्रीदिंग पैटर्न एकदम नॉर्मल रहेगी देन हम स्विच करेंगे अपने नेक्स्ट वार्म अप की तरफ जो कि है हमारा बॉडी वेट इस्वाड्स सो बॉडी वेट इस्वाड में हमारी स्टांस हिप विथ होती है और हमारे टोज पॉइंट आउटसाइड करते हैं और इसमें हमको पूरा नीचे जाना होता है और पूरा ऊपर आना होता है इट मीन्स फुल्ली फ्लेक्शन एंड फुल्ली एक्सटेंशन सो वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वार्म अप करने से हमारे जॉइंट मोबिलाइज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और हमारे इंजरी के चांसेस भी डिक्रीज़ हो जाते हैं सो so, आप इसका एक और सेट करें ताकि आपकी फुल्ली बॉडी वार्म अप हो जाए सो so, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इस्कवाड जंप सो बेसिकली ये हमारी लेग्स के मसल को टारगेट करता है जैसे कि क्वाडिसप्स हेमसिंग ग्लूटस मैक्सिमस इसमें हमारी ब्रीदिंग पैटर्न एकदम नेचुरल रहेगी और हमें ध्यान रखना है कि हम ग्राउंड से फोर्स जनरेट करें और फुल्ली हाई जंप करने की कोशिश करें क्योंकि जितना हम हाई जंप करेंगे उतना हमारा मसल ब्रेक डाउन होगा और उतने अच्छे हमें रिजल्ट मिलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसकल क्रंचज़ और ये हमारे ऑब्लिक्स रेक्टस एबडोमिनस और हिप फ्लेक्सर्स मसल को ट्रेन करती है तो इसमें आपके ब्रीथिंग पैटर्न ये होगा कि जब आप क्रंच करें तो आप एक्सहेल करें और जब आप ग्राउंड की तरफ वापस जाएं तो आप इनहेल करें सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुशअप एंड शोल्डर टैप सो हमारी चेस्ट के दो पार्ट होते हैं पेक्टोरल मेजर एंड पेक्टोरल माइनर और पेक्टोरल मेजर के दो फाइबर्स होते हैं स्टनोकोस्टर और कैविकुलर सो so, ये बेसिकली हमारे स्टनो कोस्टल फाइबर को ट्रेन करती है और इसमें हमारी कोर और हमारी ट्राइसेप भी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें हमको अपना ब्रीदिंग पैटर्न एकदम नेचुरल रखना है जैसा कि हमारी बॉडी इंडिकेट करती है अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप ये एक्सरसाइज को ट्राई करें क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत एफिशिएंट है हमारी बॉडी के लिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज़ है प्लैंक सो so, इसमें हमारी कोर मैक्सिमम इन्वॉल्व रहती है और इसमें हमारी बॉडी ऐसोमेट्रिकली होल में होती है जिसकी वजह से वह ऐसोमेट्रिकली ट्रेन भी होती है और इसको आप थर्टी सेकेंड से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके अपना टाइम इंक्रीज़ करें और इसमें आपके ब्रीथिंग पैटर्न एकदम नॉर्मल रहेगी इनहेल एंड एक्जेल सो फ्रेंड्स वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रोटिप्स देने वाला था बट प्रोटिप्स देने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो मैक्सिमम लोगों को अनअवेयरनेस की वजह से नहीं पता है सो so फ्रेंड्स वेट लॉस एंड फैट लॉस वो था डिफरेंट अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं तो वेट के अंदर हमारे बोन्स मसल्स एसेंशियल बॉडी फैट ऑर्गन्स बॉडी फ्रूट ये सब इंक्लूड्स होते हैं फैट के साथ साथ तो अगर हम वेट लॉस करते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बोन्स वीक बने या फिर हमारा मसल लॉस हो सो इट इज़ बेटर टर्म टू यूज फैट लॉस रेदर देन वेट लॉस सो फ्रेंड्स टिप नंबर वन ये है कि आप जब भी एक्सरसाइज करें अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करें क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब तो हमारी कैलोरीज बर्न होती ही है बट मैक्सिमम कैलोरीज तब बर्न होती हैं जब हम रेस्ट में होते हैं और इसे ही हम आफ्टर बर्न इफेक्ट कहते हैं सो so, जितना ज्यादा हमारी इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा हमारा आफ्टर बर्न अफेक्ट होगा और उतना ही ज्यादा हमारा फैट लॉस होगा टिप नंबर टू ये है कि आपको अपनी शुगर इंटेक कट करनी है और आपको कार्बोहाइड्रेट भी अपने लो रखने हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ फूड्स बताए थे जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उसे जाके देखिए और वो फूड्स मैक्सिमम अमाउंट में कंज्यूम करिए सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसे लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू सून